और उसके बाद एक थिंग थिंग जस्ट लुक एट दिस राइट द करेक्ट नंबर टू इन बॉक्सेस दिस थिंग सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो अपने अपने मर्जी से वन टू थ्री फोर ऐसे नंबर लिख के आ जाते हैं अफकोर्स यू हैव टू राइट दिस न्यूमरल नंबर नंबर सॉरी ओके ओके लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ वी हैव बीन गिवन लिस्ट ऑफ लेट्स रीड इट वन बाय वन

मीन्स क्या रीजन हो सकता है उसके लिए सर्चिंग चल रही है मीन्स उसके लिए एक्सप्लोरेशन हो रही है अब मैंने लगाया है वर्ड माई अकॉर्डिंग टू माई दिस थिंग्स सर्च एंड रीजन्स ऑफकोर्स इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन की बात तो ऑफकोर्स ये तो है ही बट ये तो हमें लोकेशन ढूंढने के लिए कि हाँ इस पैराग्राफ में इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन की बात हो रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ होगा लेकिन इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन टू पैराग्राफ्स में भी तो हो सकती है इसके बारे में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में टू पैराग्राफ में भी हो सकती है बात तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे फिर हम देन वॉट वी आर गोइंग टू डू जस्ट लुक एट दीज इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स लाइक रीजन्स कहीं डिस्कशन हो रहा होगा एज वेल एज सर्च सर्च हेयर मीन्स कोई एक किसी चीज़ का कोई स्टडी केस में लिख रहा होगा कि ये रीजन क्यों हो रहे हैं या ओके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है लाइक like, कोई लुक हो रहा होगा कोई किसी केस स्टडी में ये कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वहाँ क्यों हो रही थी सॉरी दिस इज हंट एच यू एन टी कोई हंट हो रहा होगा किसी चीज़ के लिए लुक लुक हो रहा है सॉरी लुक इज द रिपीटन ओके एक्सप्लोरेशन हो सकता है किसी चीज़ का और प्रॉब प्रॉब मीनस कोई इंक्वायरी हो रही होगी कि पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही थी ओके अब नाउ रीजंस के लिए वो क्या यूज़ कर सकता है वर्ड रीजंस के लिए कोजेस भी मिल सकता है ग्राउंड भी मिल सकता है बेसिस भी मिल सकता है वर्ड मोटिव लॉजिक बहुत सारे वर्ड्स हैं सिन इस वर्ड के तो ये भी हम लोगों को मिल सकते हैं बट ऑफकोर्स फिर भी मैं ये कहूँगी कि, कि जब हमें लोकेशन मिलता है जब हमें पता है कि इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है ये भी बात हो रही है फिर भी हमें होल पैराग्राफ की चीजें ढूंढनी हैं कि वो क्या रियल में क्या वो सच में वो कुछ आ, मतलब सर्च किया जा रहा है कि क्यों रीजंस रीजंस पॉपुलेशन इंक्रीज के क्या रीजंस थे फिर हम उसको परफेक्टली तब हम मैच करेंगे ओके okay. फर्स्ट तो ये हुआ सर्च रीजन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये अपने कीवर्ड्स हुए सेकेंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओके फियर ऑफ फियर मीन्स क्या फियर ऑफकोर्स कोई फियर किसी चीज का uh, लोगों में डर होगा ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट जॉबलेस हो सकता है कुछ वर्ड हमें मिल जाए जॉबलेस ओके okay. करियरलेस uh, लेस कुछ भी मिल सकता है हमें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नॉट नेसेसरी की सेम वर्ड डालो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन यस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दे कैन यूज द वर्ड लाइक इंक्रीज इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज ये सब वर्ड्स वो यूज कर सकते हैं बेसिकली बट बेसिकली यही वर्ड रहेगा हाँ फैक्ट्रीज और ये सब uh, ये भी डाल सकते हैं इंडस्ट्रीज ओके नेक्स्ट इज़ द डिवेल्पमेंट ऑफ सिटीज़ इन जापान ऑफकोर्स जापान विल रिमेन द जापान बट दिस इज़ द की वर्ड फॉर फाइंडिंग द फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पैराग्राफ कि हाँ ज इस पैराग्राफ में जापान की बात हो रही है तो हम इजीली हम इस ये भी हमारा कीवर्ड है बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जापान की बात दो पैराग्राफ में या टू पैराग्राफ में दे मस्ट भी टॉकिंग फिर क्या करोगे फिर हम डिलपमेंट देखेंगे कि डिवेलपमेंट वर्ड हमें कहाँ मिल सकता है लाइक डिवेलपमेंट ऑफ सिटीज डिवेलपमेंट ऑफ सिटीज हमें कहाँ मिल सकता है तो अब सिटीज के बारे में कहीं बात हो रही हो अर्बन के बारे में कुछ बात हो रही हो ठीक है एंड डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट के लिए व्हाट वी कैन फाउंड डेवेलपमेंट के लिए हमें वर्ड मिल सकता है ग्रोथ एक्सपेंशन ओके डेवलपमेंट uh, हो गया एडवांसमेंट एडवांस थिंग्स या एडवांसमेंट ये सब हमें वर्ड्स ऐसे ऐसे वर्ड्स वी कैन ऑलवेज फाइंड इन द पैराग्राफ और भी हैं बहुत सारे सी इसीलिए मैं बार बार सिनोनिम्स पर जोर देती हूँ बिकॉज आयर्स जो है इज बेसिकली ए गेम ऑफ सिनोनिम्स जिसको इच्छ सिंप आई एम नॉट कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स के आप सिनोनिम्स लर्न करो नो no. इनफैक्ट यू शुड लर्न द सिनोनिम्स ऑफ सिंपल वर्ड्स उसके लिए मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई हैं सिनोनिम्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ सनोम कम से कम मैंने अब तक शायद सेवेंटी एटी शॉर्ट्स डाल दिए हैं सिनोनिम्स के लिए आप देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स ओके okay. उसके बाद बात करते हैं ये हुआ क्या बात इसका मीनिंग क्या है डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान जापान के अंदर सिटीज की डेवलपमेंट की बात हो रही होगी ओके okay? फोर्थ आते हैं द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ओके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हर जगह ही मिलेगा क्योंकि ये टी टी एंड इट्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हो रही है तो अब यहाँ बात टाइम एंड प्लेस टाइम हेयर मीन्स इट डजेंट मीन कि वो टू ओ क्लॉक टेन ओ क्लॉक बताएगा वो आपको ईयर बताएगा वो कोई ईयर की बात कर रहा होगा ठीक है फिर प्लेस किसी कंट्री का नाम किसी किसी प्लेस किसी सिटी का नाम कुछ भी ऐसे भी कोई भी चीज़ आपको बता सकता है कि ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन स्टार्ट हुआ या ख़त्म हुआ या इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ भी ठीक है ओके फिफ्थ द केसेस ऑफ होलैंड फ्रांस एंड चाइना कोर्स ये तो चेंज नहीं हो सकते हैं ये अपने कीवर्ड्स रहेंगे कि हमें पैराग्राफ में इनके अगर नाम मिल रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि उनके बारे में क्या बात हो रही द केसेस केसेस हेयर मीन्स उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है उनकी कोई बारे में कोई एग्जाम्पल दी है कुछ भी दिया हो सकता है इनके बारे में ओके बट दे वही हमें बट द थिंग इज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स तो हमारे पास नाइन है बट अपने पैराग्राफ सेवन है तब हमें इन इस इस केस में हमें चेक करना है कि इम्पोर्टेंस पैराग्राफ इंपॉर्टेंस जो है मोटिव जो है कहने का वो मेन इंपॉर्टेंट हमें ढूंढना है कई बार क्या होता है एक पैराग्राफ में हमें दो दो हेडिंग्स में कंफ्यूजन होती है इन दिस के इन दिस केस हमें ये देखना है कि भाई किसकी बात हो रही है ओके इंपॉर्टेंट किसके बारे में बात हो रही है नेक्स्ट इज वी हैव चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन ओके नाउ ब्रिटेन की बात हो रही है ब्रिटेन के लिए तो वो एक दो वर्ड्स और यूज हो जाते हैं लाइक यू के ये लंडन ये सब लगा देते हैं वो ओके चेंजेस इन चेंजेस हेयर मीन्स कुछ चेंजेस की बात हो रही है ऑल्ट्रेशन लाइक like, कुछ ट्रेंड में आप चेंजेस डायरेक्ट नहीं नहीं लिखेंगे तो वो क्या लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि ट्रेंड में कुछ और चल रहा था उस टाइम क्योंकि बिकॉज पुरानी बातें हो रही हैं सारी तो ड्रिंकिंग हैबिट्स नाउ ड्रिंकिंग हैबिट्स में तो बहुत कुछ ड्रिंकिंग वाटर भी होता है ड्रिंकिंग टी भी होता है कॉफ़ी भी होता है टी के रिलेटेड है तो अफकोर्स टी की तो बात हो रही होगी और और भी कुछ ड्रिंक ड्रिंक्स तो बहुत सारी होती है ड्रिंक करने के लिए ठीक है तो ये हमें मैच करना है सेंटेंस में ओके नेक्स्ट इज टू कीज़ टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओके ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये तो देखना ही देखना है ये तो मिलेगा ही मिलेगा हम हर जगह पे ब्रिटेन का देखना है एज वेल एज टू कीज मीन्स कोई दो ऐसी कोई चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी जिसकी वजह से ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई होगी टू कीज मीन्स अब आई एम नॉट से कीज की जगह वो कुछ और लिखे टू सिम्बल्स भी लिख सकता है कुछ भी लिख सकता है टू रीजन्स भी लिख सकता है जो कि इस चीज को आगे इंप्रूवमेंट करती है टू ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन सो टू अफकोर्स टू कीज नॉट नेसेसरी कि वो डायरेक्टली टू लिखा होगा उसने वो दो चीजों के नाम भी दे सकता है ठीक है वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है उसके बाद आता है एर्थ

सिचुएशन एनवायरमेंट फैक्टर्स सिचुएशन प्रोविजन और भी बहुत सारे हैं वर्ड्स यू कैन फाइंड फॉर दिस वर्ड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके बेसिकली हमें मीनिंग अब कंडीशंस है मीन्स कुछ ना कुछ तो रीजनिंग उसने दी होगी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो हमारा पैराग्राफ होगा नाइन्थ इज कंपेरिजन जापान जापानीट टू द आंसर ओके सॉरी लीड टू द आंसर कंपेरिजन्स विद जापान लीड टू द आंसर्स कहीं पर जापान के साथ कंपेरिजन चल रही होगी और विध जापान लीड टू द आंसर जापान के साथ कंपेरिजन करके फिर उसके कंक्लूजन पर पहुँचे होंगे या कोई किसी आंसर कोई मिल कोई क्वेश्चन होगा उससे जापान के साथ कंपेरिजन करके कोई आंसर फिर हमें मिल गया होगा वो पैराग्राफ में कोई बातचीत चल रही होगी ठीक है अब पैराग्राफ्स को देखते हैं अब क्या है लेट्स लुक एट द पैराग्राफ्स फर्स्ट ये मैंने ज़्यादा ही कर दिया कोई बात नहीं नो no प्रॉब्लम चलो स्टार्ट करते हैं अभी अच्छा वन मोर थिंग जैसे हमें आंसर मिल जाता है हम उसको कट कर देंगे ठीक है अभी हम चलते हैं पैराग्राफ ए की अब पैराग्राफ पढ़ने हैं टर्न वाइज ओके अभी हमारे पास है ए अब ए से स्टार्ट करती हूँ टर्न वाइज ही पढ़ने में फायदा है कोई ऐसा बात नहीं सभी पैराग्राफ्स को ही रीड करना है इसमें ओके एलान जिस I don't want to read this. Okay, Cambridge has, like other historians, spent decades wrestling and enigma of the Industrial Revolution. Why did this particular bank, the world's changing birth of industry, happen in? Uh, happen in? Um, happen in Britain and uh, why did it strike at the? Okay, yes, I told you. Happen in? Uh, happen in Britain at the? Why did it strike at the end of 18th century? Now. प्लेस का नाम है और टाइम भी दिया है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वाई डिड दिस पर्टिकुलर बिग बैंग ओके द वर्ल्ड चेंजिंग बर्थ ऑफ इंडस्ट्री सो लेट्स लुक एट लिस्ट ऑफ एडिंग द सर्च फॉर द रीजन फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नो ये कोई बात नहीं हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नो इसके बारे में भी कोई बात नहीं हो रही थी डिवेलपमेंट ऑफ सिटीजान नो जापान था ही नहीं yes, yes, ये दिया हुआ था टाइम दिया था एटीन सेंचुरी प्लेस भी दिया था ब्रिटेन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये फॉर दिस वट वी आर गोइंग टू डू इट इसको कट कर देते हैं मैंने यहां ईयर लिखा था देखो ये ईयर सेंचुरी लिख दिया इनफैक्ट उसने ठीक है तो यहां पे मैंने कट किया और ए के आगे मैंने डाल दिया है वन फोर फोर ओके तो ये हमारा कट हुआ अभी हम चलते हैं बी पैराग्राफ पे ओके okay, बी पैराग्राफ क्या बोलता है कंपेयर द पजल टू ए कॉम्बिनेशन लॉक देर आर अबाउट ट्वेंटी डिफरेंट फैक्टर्स ओके फैक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर द रिवोल्यूशन कैन हैपन यस आई थिंक कोर्स अब सब पढ़ के बोलेंगे नहीं 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 हमें मिल गया बट फिर स्टिल मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मोटा मोटा फॉर एटलीस्ट हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें जो बाकी की जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे वो हमें करने में ईजी रहेगा इसलिए थोड़ा इसको स्किम कर लेते हैं फॉर इंडस्ट्री टू टेक देयर नीड्स टू बी टेक्नोलॉजी एंड पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज पावर टू ड्राइव ओके लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस टू प्रोवाइड चीप लेबर इजी ट्रांसपोर्ट अराउंड डिफिकल्ट मिडिल क्लास ओके सब ये सब उसने रीजनिंग दी है कि ये इजी ट्रांसपोर्ट हुआ था लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस टू प्रोवाइड चीप लेबर मिल रही थी तो ये सब रीजन जो है ट्वेंटी डिफरेंट फैक्टर्स फॉर रिवोल्यूशन ओके अलाउ दिस टू हैपन अलाउ दिस टू हैपन वट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाइल दिस वॉज द केस फॉर इंग्लैंड अदर नेशंस सच एज ओके जापान की भी बात हो रही है एंड नीदरलैंड एंड फ्रांस ऑल्सो मेट सम क्राइटेरिया बट वॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं था ऑल दीज फैक्टर्स मस्ट हैव बी नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट टू कॉज रिवोल्यूशन सज After Holland had everything except coal, while China also had know two factors, two missing factors that they need to open the lock. Uh, Convinced that there are two. मिसिंग फैक्टर्स डेट यू नीड टू ओपन द लॉक ओके अब टू मिसिंग फैक्टर्स है लेट्स लुक एट द लिस्ट ऑफ हैडिंग्स बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन ये जो है ना ट्वेंटी डिफरेंट फैक्टर्स और ये इतने सारे उसने फैक्टर्स बता दिए रीजन बता दिए कि इंडस्ट्री रेगुलेशन क्यों हुई ओके okay, इसको पढ़ते हैं द सर्च फॉर रीज़न नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन की कोई बात ही नहीं हो रही थी ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान नो केसेस ऑफ हॉलैंड फ्रांस एंड चाइना तो थे बट ऐसा कुछ नहीं था यस yes, दिया था उनके बारे में बट मेन उसने फैक्टर्स के बारे में बात की थी बाकी नीचे तो सब थोड़े ऐसी एग्जाम्पल की थी लेकिन ड्रिंकिंग हैबिट्स नो टू यस टू कीस टू ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये भी था उसमें बट पढ़ते हैं इसको कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन यस कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले उसने इंडस्ट्रियलाइड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात की थी ठीक है और उसके लिए फैक्टर्स उसने बताया एज आई टोल्ड यू फैक्टर्स भी वो बोल सकता है फैक्टर्स उसने बात की उसके बाद फिर उसने कुछ केसेस डिस्कस किए तो ये अपना हुआ इसको मैंने कट किया और बी के लिए अपना आंसर हुआ ये 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 ये, ये है एर्थ ओके okay. फिर भी मैं ये वाला एक बार आपको बताती हूँ क्यों नहीं है अपना आंसर एंड uh, ये वाला क्यों नहीं है फिफ्थ ओके लेट्स गो टू द बी अब अभी हम देखते हैं कि पजल टू ए कॉम्बिनेशन लॉक अबाउट ट्वेंटी जो मेन यहाँ तक जो है फ्रॉम हेयर टू हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स फॉर द रिवोल्यूशन ओके हेयर वाइल दिस अब उसने वाइल्ड लिख दिया वाइल्ड दिस वॉज द केस फॉर इंग्लैंड एंड अदर नेशंस सच एज जापान दीदरलैंड फ्रांस ऑल्सो गेट सम क्रिटेरिया बट वर नॉट इंडस्ट्रलाइजिंग यहाँ पर इंडस्ट्रलाइजेशंस नहीं चल रही थी ऑल दिज फैक्टर्स मस्ट है नेसेसरी ये जो है नेसेसरी होती हैं ये जो फैक्टर्स ऊपर जो बात की हैव बीन नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉज द रिवोल्यूशन ओके ये बोल रहा फिर भी सफिशिएंट नहीं है रिवोल्यूशन के लिए तो आफ्टर ऑल हॉलैंड हैड एवरीथिंग एक्सेप्ट कोल हॉलैंड के पास सब कुछ था वाइल चाइना ऑल्सो हैड मैनी ऑफ दिज फैक्टर्स मोस्ट हिस्टोरियंस आर कन्विंस डेट देर आर वन और टू मिसिंग फैक्टर्स दे नीड टू ओपन द लॉक ओके नाउ इसमें क्या बोल रहा है वन और टू मिसिंग फैक्टर्स दैट यू नीड टू ओपन द लॉक ठीक है वो टू फैक्टर्स की बात कर रहा है कि जो कि अभी उसने खोलना है तो बट स्टेटमेंट क्या थी वहां पर बट हेयर टू कीज टू ओपन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अफकोर्स ये बात हुई ये मिला ये मिला बट टू कीज टू ओपन मीन्स की वो कह रहे हैं टू कीज जो थी वो मतलब टू कीज था कि टू कीज की वजह से ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई नहीं वो तो बोल रहा है कि लास्ट लाइन बी पैराग्राफ की कि वो अभी येट टू ओपन ठीक है वन और टू कीज येट टू ओपन फॉर इंडस्ट्रियल रेवलाइजेशन रिवोल्यूशन इसके लिए लेकिन अपना जो मेन जो मोटिव था उस पैराग्राफ का वो ये था कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके सी पैराग्राफ पे आते हैं ओके सी पैराग्राफ the missing factors he proposes are to be found in okay the missing factors he proposes are to be found in almost every uh, cupboard tea and beer two of the nations two of the nations two of the nations favorite drinks fueled and revelation the antiseptic properties of um, tannin the active ingredient in tea and hops plus the fact that both are made with boiled allowed अर्बन कम्युनिटीज टू फ्लोरिश एट क्लोज क्वार्टर्स विदाउट कमिंग टू वाटर बोर्न डिजिज सच एस डाइन्ट्री थ्योरी साउंड इज सेंट्रिक बट वंस ही स्टार्ट टू एक्सप्लेन ओके ये बोल रहा है कि टी एंड बियर जो है वो नेशन की जो फेवरेट ड्रिंक्स जो थी बन गई थी <coughs> टी एंड ब्रिंक ओके okay, बियर और उसकी वजह से रिवोल्यूशन जो है अब टी इंडस्ट अब अपना टॉपिक ही था टी एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो जो ये है ये दो ड्रिंक्स की वजह से फ्यूल्ड द इसमें रिवोल्यूशन जो पहले से थोड़ी थोड़ी आग लग चुकी थी उसकी वजह से और भी आग लग गई रिवोल्यूशन में अब एंटीस्पेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेनन एंटीसेप्टिक सॉरी टेनाइन जो टी के अंदर होती है उसकी वजह से वो क्या हुआ कि बॉइल्ड वाटर के साथ जो पी रहे थे अर्बन कम्युनिटीज़ वो बीमार नहीं रहने लगी वो फ्लोरिश हो गई मीन्स ठीक हो गए सभी एट क्लोज क्वार्टर विदाउटिंग टू वाटर बॉर्न डिजीज सच एज डाइनस उस चाय की वजह से जो कि बॉइल्ड वाटर के साथ बनाया जाता है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से जो कम्युनिटीज जो इकट्ठी इकट्ठी रहती थी उनमें कोई वाटर बॉर्न डिजीज नहीं हुआ द थ्योरी साउंड इज सेंट्रिक बट वंस ही स्टार्ट टू एक्सप्लेन द डिटेक्टिव वर्ड डेट वेंट इन टू हिस्स डिडक्शन द गि वे टू एडमायरेशन केस हैज़ बिन स्ट्रेंथ बाई द सपोर्ट फ्रॉम नोटेबल क्वार्ट दिस डिस्टिंग्विश्ड मेडिकल हिस्ट्री ना पूरे में फिर वो अलग से बात कर रहा है बट टू दिसिंग फैक्टर्स ओके जो ऊपर जो उसने बात की थी कि जो मिसिंग फैक्टर्स जो थे यू नीड टू ओपन द लॉग वो फैक्टर्स की यहाँ बात कर रहा है टू फैक्टर्स की बात इसका मतलब इट मीन्स टी एंड बियर आर टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स फ्यूल्ड द रिवोल्यूशन अब अब हम इसको देखते हैं आई थिंक अभी स अभी आप समझो बी पैराग्राफ में उसने कहा था कि टू ही सेट टू कीज आर येट टू बी ओपन नाव इस सी पैराग्राफ में ही हैड सेड ही हैड एक्सप्लेन टू कीज टू टू कीज टी एंड बियर टू ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रिवलेशन सो आंसर इज दिस थिंग दिस ऑल्सो कटेड फ्रॉम दिस आंसर इज सेवंथ फॉर सी पैराग्राफ लेट्स गो टू डी पैराग्राफ नाउ ये डी पैराग्राफ है अब इसको रीड कर लेते हैं जरा ओके हैड अ लॉन्ग टाइम हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम अबाउट हिस्टोरियंस ओके फैक्टर सेंचुरी रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन ओके वो कह रहे हैं कि कि वंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम अबाउट वो बहुत दिन से बहुत टाइम से सोच रहे थे कि वनडर थे कि वो कैसे आया उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हैड अलाइटेड ऑन वन इंटरेस्टिंग फैक्टर यस यस इंटरेस्टिंग फैक्टर के बारे में अराउंड द मिड एटीन सेंचुरी डैट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन जिसके लिए यस yes, मैंने बताया था एज आई टोल्ड यू कि एक्सप्लेनेशन या कुछ ऐसा कोई बात हो रही होगी कुछ सर्च किसी चीज़ में ना घुसारे होंगे देखने के लिए डैट इज़ द थिंग हैड वंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम between 1650 and 1740 the population in britain was static yes all the things going to the first point but they okay now the but has come but there was a burst in population growth okay says the infant mortality rate halved of okay infant 20 years mein. this happened in both rural areas and cities and across all ओके सब जगह यही बात हो रही है बॉस देर इज इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज इन देर वार इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर भी इम्प्रूवमेंट हो गया था मलेरिया भी निकल रहा था वाइप्ड आउट हो गया था मीन्स खत्म हो रहा था बट देर वर दीज वर स्मॉल गेंस ये कुछ ज्यादा बड़े गेंस थे सैनिटेशन डिड नॉट बिकम वाइड स्प्रेड अंटिल द सैनिटेशन की प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई थी नाइनटीन सेंचुरी तक द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज फूड But the height and weight statistics show a decline, so the food must have got worse. Efforts to explain this sudden reduction in child deaths appear to draw a blank. means जो चाइल्ड डेथ जो मतलब खत्म हो गई थी उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या था कि पॉपुलेशन बढ़ गई थी और उनको खाने में फूड सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी बस बाकी तो पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है अब ब्लाइंड फोल्डली इसको हम लगा देते हैं अब इसको हम द सर्च फॉर रीजन फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन अब ये अपना फर्स्ट का भी मिल गया है फॉर डी पैराग्राफ ओके नाउ वी हैव लेफ्ट हम वन टू थ्री फोर फाइव ऑप्शन अभी रहते हैं लेकिन अपने पैराग्राफ uh, है थ्री ओके ई पैराग्राफ पे आते हैं अभी ओके ई पैराग्राफ दिस इज़ ई पैराग्राफ़ द पोपुलेशन बॉर्स सीम टू हैपन एट जस्ट द राइट टाइम टू प्रोवाइड लेबर फॉर द ओके अगेन फिर से अभी अभी यही तो बात है ना कि अभी एवरीबडी गेट्स कन्फ्यूज कि मैम उसमें भी यही चीज़ लिखी थी इसमें भी सी अब आप ट्राई टू अंडरस्टैंड उस पैराग्राफ से वो आगे कॉन्टिन्यू कर रहा है ये बात को उसने स्टार्ट किया था लाइक like, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ तो जैसे यहाँ पर भी पैराग्राफ में उसने क्या बोला था कि देर आर आर कन्विंस देर आर वन और टू मिसिंग फैक्टर्स यू नीड टू ओपन द लॉक अब इस पैरा सी को जब उसने स्टार्ट किया तो इन्हीं जो लॉक जो की फैक्टर थे उन्हीं के बारे में उसने बात करनी शुरू की ठीक है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब वो पैराग्राफ फिनिश होता है तो कई बार वो उसी लाइन से नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करता है ओके द पोपुलेशन बर्थ सीम टू हैपन एट जस्ट द राइट टाइम टू प्रोवाइड लेबर फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ओके Uh, uh, when you start moving towards uh, an industrial revolution it is economically efficient to have different living clothes this thing but then you get disease okay uh, particularly from human waste okay some digging around in historical uh, records revealed that there was a change in the incident of waterborne disease at that time especially dynasty okay this person deduced de uh, that deduced means uh, that whatever the British were drinking must have been important in regulating disease. He says we drank beer for a long time. The English were protected by the strong antibacterial agents in hops, which were added to help preserve. Okay, uh, preserve the beer. But in the late 17th century, a tax was introduced on malt, the basic in ingredients of beer. Uh, beer. द पुअर टर्न टू वाटर एंड जिन इन दोट ओके ये सारे के सारे बात अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये किसकी बात कर रहे हैं कि इनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स पहले क्या थी और अभी क्या थी जो कि हमारे पास एक ऑप्शन था ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में लेट मी शो यू यस यस चेंज इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन बी टेन दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर पैराग्राफ ई लेट्स राइट इट हेयर what is this uh, sixth this is six. so fourth eighth, this is eight and seven and one and sixth okay this we have cut it okay now we have left with f paragraph also and g okay. मेक फल मेक फल ए लुक टू जपानपान की बात फिर से आ गई विच ऑल्सो डिवेल्पिंग लार्ज सिटीजो डिवेल्पिंग लार्ज सिटीज अबाउट द सेम टाइम एंड ऑल्सो हैड नो सैनिटेशन वॉटर बॉन्ड डिजीज है लूजर ग्रीप इन ऑन द जपानोज इन देन दोज इन ब्रिटेन ओके यस देन दोज हेयर मीन्स कंपेरिजन कंपेरेटिव स्टेटमेंट और जो कि हमारे पास एक ऑप्शन था कंपेरिजन विद जापान टू द आंसर ओके बट बट स्टिल आई वुड से डोंट कम टू द कंक्लूजन डोंट जम्प कि मेरे को मिल गया है प्लीज रीड इट फर्दर द प्रिवलेंस ऑफ टी इन देयर कल्चर देन नोटेड दैट हिस्ट्री ऑफ टी इन ब्रिटेन प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्सिडेंस ऑफ डेट द टी वॉज रिलेटिवली एक्सपेंसिव ब्रिटेन स्टार्टेड ए डायरेक्ट स्लीपर ट्रेड विद चाइना इन दर्ली बाय द सेवनटीन फोर्टीज अबाउट द टाइम द ड्रिंक वॉज कॉमन द फैक्ट डेट वाटर हैड टू बॉइल टूगेदर विद द स्टोमक प्यिफाइंग प्रॉपर्टीज टू मीन द ब्रेस्ट मिल्क ओके नो अदर यूरोपियन नेशन सिप्ड टी ओके जैसे ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने टी को सिप किया था किसी और यूरोपियन नेचर नेशन कंट्री ने नहीं किया था लॉजिक uh, जो उसका है पुस्ट डेट दीज कंट्रीज आउट ऑफ कंटेंशन फॉर द रिवोल्यूशन ओके जो कि ब्रिटेन में इतना नहीं हुआ था और यहाँ कंपेरिजन उसने कर दिया है ब्रिटेन के साथ ओके सो एग्जैक्ट हमें और कोई फिर भी रीड कर लेते हैं द सर्च ओके ये तो हो चुका है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अभी तो कोई बात नहीं की है बट फिर भी देख लेंगे द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान नो जापान की तो बात हो रही है पर डेवलपमेंट की बात नहीं है के okay. hmm, ये भी नहीं है अपना ये तो हो चुका हो चुका है कंपेरिजन्स विद जापान लेट टू द आंसर हमने जब जापान के साथ कंपेरिज़न किया इनफैक्ट दूसरों के साथ भी कंपेरिजन किया है तो हमारा आंसर हुआ ये नाइन्थ वाला इसको मैंने कट लगाया और ये यहाँ पे भी कट लगा दिया एफ के लिए अपना है नाइन नंबर और फिर जी जो है अपना देखते हैं जी के लिए क्या आएगा अपना आंसर ओके बट इफ ए Effect okay. If tea is a factor in the combination log why didn't Japan forge ahead in it to tea soaked industrial revolution of its own? mcfarlane notes that even 17th century Japan had large cities. Okay, now cities ki baat aaghi. Large cities means growth in cities and all. बिग सिटीज ग्रोथ हुआ है तभी तो लार्ज सिटीज बने हाई लिटरेसी रेट्स इवन ए फॉर्च्यून फ्यूचर मार्केट इट है टर्न इट्स बैक ऑन द एसेंस ऑफ डे वर्क बेस्ड रिवोल्यूशन बाई गिविंग अप ओके लेबर 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 यस बाई गिविंग अप मीन्स जॉबलेस अनुप्लॉयमेंट सच एज एनिमल्स अफ्रेड दट दे वुड पुट दे वुड पुट दिस वॉट दे वुड पुट दे वुड पुट पीपल आउट ऑफ वर्क सो द नेशन आउट ऑफ वर्क यस आई टोल्ड यू अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या हो सकते हैं सो द नेशन डेट वीन ना थिंक एज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट एडवास टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंटर दिस येस दिस इज द कंप्लीट थिंग इट लीड्स टू द डिवेलपमेंट ऑफ सिटीज इन नो 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 येस डिवेलपमेंट ऑफ सिटीज तो था अफकोर्स नाउ अभी इन दोनों में कंफ्यूजन अब फिर से मेरे को पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यस डेवलपमेंट ऑफ सिटीज तो था अफकोर्स अब अब इसमें कन्फ्यूजन होती है कि दो दो ऑप्शन है वो एक जैसे अब क्या लगाएं यस yes, अभी इसको फिर से पढ़ लेते हैं बट इफ इट टी इज ए फैक्टर इन द कॉम्बिनेशन लोक वाई डिट जपान फोर टी सॉक्ट रिवोल्यूशन इन ऑफ इट्स ऑन नोट डेट सेड लार्ज सिटी सेवनटीन सेंचुरी में जापान का लार्ज uh, सिटी सब ये सब चीज़ें थी इट है ओके बाई गिविंग अप लेबर डि लेबर बाई गिविंग अप लेबर सेविंग डिवाइसिस सच एज एनिमल्स अ फ्रेड बेसिकली यहाँ पर दो तीन बार जो भी बात हुई है इसने जो भी बात की है क्या बात की है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है डिवेलपमेंट की भी बात हो रही है बट हमें uh, जो है लेकिन साथ साथ में उसने क्या बताया है इट हैड टर्नड इट्स बैक ऑन द एसेंस ऑफ एनी वर्क बेस्ड रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल बाई गिविंग अप लेबर से वुड पुट पीपल आउट ऑफ वर्क सो द नेशन थिंक डेट वी नाउ एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंटर दिस अबेंडेंट द व्हील अबेंडेंट द व्हील हेयर मीन्स जैसे ऊपर बात कर रहा है कि हमने जापान ने पुरानी सारी चीजें छोड़ दी हैं जिसमें लेबर लगती थी सच एज एनिमल्स एनिमल्स के लिए हमें व्हील लगाना पड़ता था तो वो सब चीजें बता रहा है तो इसकी वजह से अपना आंसर जो हुआ देखो उसने सारी बातें की हैं जो आप कंफ्यूज नहीं होना है, देखो इसने सिर्फ यहां किया है डिवेलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान का यहां तक फिनिश करके उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ इट हैड टर्न इट्स बैक ऑन द एसेंस ऑफ एनी वर्क बेस्ड रेवोल्यूशन बाई गिविंग अप लेबर सेविंग डिवाइसेस इसलिए अपना आंसर हुआ सेकेंड वाला सो so,